कितना आगे है? मजा ही गया समझ? ये तो आप पिछले एक घंटे से बोल रहे हो नवीन जी। पता लगा रात के अंधेरे में चलते चलते नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गए। अभी गाड़ी में रखी 40 बंदूकों के साथ। लेफ्ट 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 ले यहाँ से। सैंपल पैसे की बात करें। नहीं, पहले बोल ये गन्स किधर से लाया है? मैंने तुझसे पूछा तू ये चरस का हलवा कहाँ से लाया? हम डोकला से लाया है, स्पेशल क्वालिटी। हमको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा माल तुम ले जाके किसको देगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा माल पैर का निशान नहीं छोड़ता। लेने वाला सिगरेट में भरेगा, जलाएगा, दम लेगा, गायब। लेकिन तुम्हारा माल पैर का निशान छोड़ता है। हम तुमसे पिस्तल और 15 मशीन गन लेगा, हम ले जाके अपने लड़का लोगन में बांट देगा। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये गन पहले किधर इस्तेमाल हुआ। किसी पुलिस वाले को इससे गोली मारा होगा तो वो लोग ट्रेस करते करते मेरा और मेरे लोग के पीछे तक आ जाएगा। ब्रांड न्यू पीस है सर, अब तक इनसे सिर्फ टेस्ट फायर किया है और सीरियल नंबर रगड़ के हटा दिया है। बहुत लोगों को बेच चुका हूं, आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की है। हम तुमसे पहली बार ले रहे हैं ना, तो क्या आंखें मूंद कर लूं? बोला ना, सब ब्रांड न्यू पीस है, चोरी का माल नहीं है ये। क्या तुम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अंदर के लोगों को जानते है क्या? अंदर नहीं, ऊपर किसी को जानते हैं। रेट बोलो। एक गन का 3, मशीन गन का 15, तो हुआ 200 किलो। 200 किलो के लिए 20 गन और 6 मशीन गन मिलेगी। सबका कितना? 450 किलो। तुम पागल है क्या? ए, ठीक तो बोल रहे हैं। हमारा उधर का तो गांजे का सारा खेती जला दिया वो मिनिस्टर, अभी क्या करेगा? हमारा रेट पर ही लेना पड़ेगा। इस सीजन में 2 पैसे का धंधा नहीं कर सकेंगे आपके भाई की वजह से। मुझे क्यों बोल रहा है? जाकर मेरे भाई साहब से बात कर। हर साल पूरी दुनिया में ड्रग्स का धंधा $5 बिलियन का होता है। एक ड्रग स्मगलर हर साल 300 करोड़ रुपए कमाता है। एक इंसान इंडिया में पाउडर के धंधे का किंग बनने की कोशिश में लगा है और कुछ ऑफिसर्स उसे रोकने में जुटे हैं किसी भी कीमत पर। ये उनकी कहानी है। Thank you.
तो बॉल खेल लूं। खेले बॉल। 20 साल पहले स्कूल टूर्नामेंट का चैंपियन था मैं इस एरिया में। अभी थोड़ा प्रैक्टिस छूट गया। मैं जानता हूँ, मेरे बाप ने बताया था तेरे बारे में। तेरा बाप जानता है मुझे बचपन से? तू भी इधर ही बड़ा हुआ है ना। मेरा बाप भी 6 साल पहले इसी गली के पीछे से तूने मेरे बाप को पकड़ा था ना। तू राधेश्याम का बेटा, 6 साल में काफी शक्ल बदल गई तेरी। ए पांडो, शक्ल तो तेरी बदलना चाहता था मैं बॉल मार के, निशाना चूक गया, वरना विकेट की जगह तेरी खोपड़ी उड़ जाती थी। कितना हुआ? 300 रुपए मैडम। एक एक्स्ट्रा पैक बैटरीज का देना। नहीं चाहिए, टैक्सी मिलेगी? जी हाँ मिलेगी ना। कहाँ जाना है? आगरा, जयपुर, सूरजकुंड? दिल्ली घूमना है। चीयर्स। ये मालूम है क्या है? बच्चे लोग का स्कूल और क्या। और ये मालूम है ना क्या है? बच्चे लोग का जेल। आज जैसे तूने मेरा विकेट लिया तो तू इधर का चैंपियन बन सकता, और अगर तेरा निशाना लग जाता और मेरा विकेट गिर जाता तो तू इधर का चैंपियन बनता। चॉइस तेरा है। कार्तिक साहब, ये आपके लिए। भेजिए। हाँ सर। कुछ आवाज़ कर रही है। कैसे आवाज़ कर रही है? ब्रेक लगाता हूँ तो कुछ टक 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 करती है। देख लेता हूँ मैं। आप बैठ। मैं अंदर छांव में बैठ। हाँ बैठ जाइए।
लड़का तो बकरा है कार्तिक साहब, उन्होंने हार बिना कर भेजा और आपने हलाल कर दिया। पौने चार किलो अफीम मिला है उससे। लेकिन गांव वाले, गांव वाले तो उसे दवा समझते हैं। गांव वालों को, बिचारों को ये तक नहीं पता कि गवर्नमेंट ने उसे कॉन्ट्रैबैंड डिक्लेयर किया हुआ है। अगर उन्हें समझाओ तो उनकी समझ में नहीं आता। वहां बच्चों को अगर सर्दी हो जाए तो माए उन्हें अफीम चटा देती है। अब कानून मैं तो बनाता नहीं हूं सद्दकी साहब, और ना उन बच्चों की माए बनाती हैं। फिर आप खुद एक वकील, कानून सबसे ज्यादा समझते हैं। हाँ, कानून तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि वो किसके लिए लिखा गया है। सबके लिए बराबर लिखा गया है। लेकिन सब बराबर तो होते नहीं, और ना ही उनका रेट बराबर होता है। अब आप बता दीजिए, आपका क्या है? आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ सदी साहब। उस लड़की की शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, और इन 7 सालों में मैं अपनी बीवी के साथ कम रहा हूं, और इन लोगों और इनके ड्रग्स के पीछे ज्यादा भागा हूं। सारी दुनिया के ड्रग स्मगलरों का धंधा लोहे, स्टील और कारों के कारोबार से बहुत ज्यादा है। इतने दिन भागने के बाद आपने पकड़ा तो उस लड़के को, जिसे ये तक नहीं पता कि वो कॉन्ट्रबैंड ले जा रहा है, जो ये तक नहीं जानता कि उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली इसमें। तुझे पक्का मालूम है? हाँ साहब। पीटर, अली। मरे कबूतर जैसी शक्ल मत बना, अकेला हूं मैं। मैं जानता हूं वोट पे क्या है, पर तू जानता है मैं चाहूं तो सीज कर सकता हूं। तो कर देगा को नहीं? तेरा नुकसान करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा, मैं तो तेरे फायदे की बात करने आया। सेल चालू है, ऑफर खुला है, तेरे माल लाने ले जाने का रास्ता खोल दूंगा। सेल? अंसारी का जो भी आगा पीछा जानता बता दे, खबर ही बन जा। तेरा माल छोड़ दूंगा। माल? कैसा माल? अपन तो इधर दरिया का खुला ताजा हवा खाने को आया था, इतना गर्दी बढ़ गया, हवा भी गंदा हो गई। अपन चलता है। अली, पीटर। माल नीचे बैग, तेल दे। ए, हमारा चल निकल यहां से, इससे पहले कि माजा मगज घूम जाए। चल चल चल, जल्दी निकल। Thank you.
क्या खैरियत राजा भाई? लेंटर लग गए? ये बॉम्बे या गोवा नहीं है जहाँ पूरे साल कमाने को मिलता है। अरे हम लोग तो इसी सीजन में कमाते हैं, और इस सीजन में माल आने का तो आसार नजर नहीं आ रहे मुझे। मैं आ गया हूँ ना, माल भी आ जाएगा। हमारे साथ डीलिंग करके आप लोगों को कभी कोई नुकसान हुआ है? नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी। तो फिर नेपाल बॉर्डर क्यों गए थे माल लेने? मैंने बोला था उन लोगों को हथियार चाहिए था और हमें चरस। भाव ज्यादा बोले ना वो लोग। आपके भाई साहब के इस धोखे की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। हम तो नहीं गए किसी और के पास। राजा भाई, अगर डिस्ट्रीब्यूटरों को टाइम पे माल नहीं मिला ना तो हमारी पार्टी ने मोटा पैसा दिया है इनके भाई साहब को, और अब वो हिसाब चाहते हैं आपके भाई साहब से। हिसाब तो मैं भी चाहता हूँ अपने भाई साहब से। दिन में मैंने पहले ही कहा था कि भाई साहब की जगह मुझे कंट्रोल करने दो, लेकिन यहाँ तो सब भाई साहब को खुश करने में लगे रहते। अरे नाराज क्यों होते त्रिपाठी साहब? त्रिपाठी साहब तो भाई साहब बनकर बैठे हैं, मिनिस्टर त्रिपाठी साहब। मैं तो नवीन जी बनकर रह गया हूँ, छोटा है मुझसे वो, पता है? पैसा कहाँ है पता है? आपकी पार्टी का पैसा और भाई साहब की अपनी पार्टी का पैसा कहाँ होता है, ये सिर्फ उन्हें मालूम है या फिर उनका लड़का? तो बात करिए अपने भाई साहब से और उनसे कहिए कि चंबा में जो रेड करवाई है उन्होंने, उससे काफी नुकसान हुआ है हमारा। मैंने समझाया और भाई साहब समझ गए। पावर में है वो, और जब इंसान पावर में होता है तो उसके कान बंद होते हैं। ये ब्रिंदा जी, फ्लाइट पहुंच गई आपकी? बस अभी लैंड की है शर्मा जी, ठीक आपके ऑफिस के बाहर। क्या कह रही हैं? बॉम्बे में एक बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है, उसका बॉस एनसीबी बॉम्बे का प्राइम टारगेट है अनऑफिशियली, और ये राजा है उस स्मगलिंग गैंग के बॉस का सेकेंड इन कमांड, राइट हैंड मैन, कुछ भी कह लीजिए। और इस रिंग के बॉस का नाम? पता नहीं, मैंने या मेरे किसी भी कलीग ने आज तक उसके बॉस को देखा नहीं, लेकिन आज मैंने राजा को देखा दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते हुए, तब से उसका पीछा कर रहे हैं। राजा के यहाँ होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि इन लोगों का ऑपरेशन सिर्फ बॉम्बे तक ही लिमिटेड नहीं है, वो दिल्ली के लोकल गैंगस्टर से भी डील करते हैं, और शायद इन्हीं में से कोई हमारे लिए रास्ता भी खोल दे। प्रिंदा जी, ये आदमी कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कौन है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन है ये? बबलू त्यागी। गाजियाबाद साहिबाबाद से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक इसका ऑपरेशन चलता है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन की किडनैपिंग का, ड्रग्स की डीलिंग में इसका कोई खास ऑपरेशन नहीं है। अगर होगा भी तो कोई छोटा मोटा केस होगा नारकोटिक्स थाने में इसके नाम पे, दैट्स इट। तो मुझे इसके हर छोटे मोटे केस के बारे में जानना है। किस वक्त हुआ ये? करीब 12:15 के आसपास। किसी के पीछे आए थे वो लोग? मुझे पता नहीं सर, राजा भाई थर थे, सुबह उन्हें किसी जरूरी काम से निकलना था, सो जाने से पहले आपके लिए छोड़ गए। सर बाहर फिर कोई आया? तू जा। यस। और हाँ, यस सर। बार वैसे ही चलते रहेगा जैसे चलता है। यस सर। उन लड़कों को दबा के कुछ पैसे दे दे और छुट्टी कर दे। यस। आज रात से नए लड़के रख ले। आज रात से? क्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा सर। यस। वसीम,
कार की चाबी ले, पीछे के दरवाजे से गाड़ी में बैठ। कितने बजे खुलता? सर ये बंद हो गया है। लगी रहा। थैंक्स। क्या ढूंढ रही है अब? देख रहा हूं काफी देर से लगी हुई है। बबलू त्यागी, उसका कोई भी छोटा या बड़ा ड्रग स्मगलिंग केस। बबलू त्यागी मतलब घोड़ा? घोड़ा यही तो है। पर मुझे तो इसका नाम बबलू त्यागी बताया गया था। वो तो नाम इसके माँ बाप ने रखा था। एक नाम सड़क भी तो रखती है और एक नाम पेशा भी। बबलू त्यागी नाम शायद किसी फाइल में ना मिले। मतलब आप बाहर जाकर किसी को पूछेंगे कि यूसुफ खान कौन है तो शायद ही कोई बता पाए, लेकिन दिलीप कुमार पूछेंगे तो सब बताएंगे। एक नाम पेशा भी देता। हाँ, ऐसे ही शहर के किसी पंटर्स मैकी या चर्ची को पूछेंगे कि बबलू त्यागी कौन है, किसी को नहीं पता, लेकिन घोड़ा सब जानते हैं। तो ये आपका घोड़ा घोड़ा क्यों है? मैंने सुना है कि एक बार बबलू त्यागी जेल से भाग गया था और उसके पीछे दर्जनों भर पुलिस पड़ी थी, लेकिन वो सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया। ये घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है, लंबी रेस का घोड़ा। हाँ यार, सभी लंबी रेस के घोड़े हैं। इतने बड़े शहर में 2 करोड़ आबादी के लिए एक ही नारकोटिक थाना है, किस किस के पीछे पड़ेंगे? हमसे तो सभी आगे निकल जाते हैं। क्वींस बार से सब कुछ हटवाना पड़ेगा, फोन नंबर की डायरीज, कच्चे पक्के अकाउंट्स खाते, सब कुछ। अकाउंट्स खाते कौन से? हिसाब कागजों पर नहीं लिखे जाते वसीम, यहाँ लिखे जाते हैं। नहीं पर कुछ तो होगा, कोई पर्ची, कोई किताब। कितने लोग माल उधार लेकर जाते हैं राजा भाई, कितना याद रखते होंगे, किससे क्या लेना है? याद रखना पड़ता है वसीम, सादे पर्ची पे लिखा और हिसाब होते ही फाड़ दिया। ऑफिस में सिर्फ पक्के का हिसाब होता है, एक नंबर का, और वो कौन से दफ्तर में नहीं होता। मुझे पूना भेजने की क्या जरूरत थी, MBA करने के लिए? यहीं बिठा के धंधा सिखाना था ना भाई। सीख जाएगा, एक दिन में तो मैं भी नहीं सीखा था। वैसे वसीम ये क्वीन से धंधा बंद करना पड़ेगा। तीन बार बंद कर देंगे? नहीं, बार चलता रहेगा। एक नंबर का धंधा करेंगे, 2 नंबर का नहीं। तो फिर 2 नंबर का कहाँ से करेंगे? अपने एक बार थोड़े हैं बॉम्बे में, 3 हैं। माल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। आपने मुझे कभी बताया नहीं बाकी 2 के बारे में। असली धंधा यहीं से होता था, इसलिए तुझे सिर्फ क्वींस का पता मालूम था। बाकी 2 पैसे घुमाने के लिए थे, एक परेल में और। क्या हुआ? तुझे सिर्फ क्वींस का पता मालूम था जी। उस्मान और उसके छोकरे भी इधर ही आए थे, कहीं गलती से तेरे मुंह से कुछ निकला तो नहीं उस्मान के सामने?
वसीम जवाब दे। वो उस्मान आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तो मैंने बस उसको चुप करवाने के लिए बोल दिया था कि हमारा जो भी धंधा है सब लीगल है, कार सर्विस सेंटर, नाइट क्लब, टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न भरते हैं। भाई मेरे पीछे तुरा दे, उसकी बहन से मिलने गया था। जी क्यों गया था? मैंने मना किया था घर से बाहर नहीं जाएगा तू। मेरे साथ गया था वो, मरा मेरी वजह से ना। बहुत से लोग मरते हैं धंधे में, उनको लेकर रोते बैठेगा या मुझे मरवाएगा? भाई मैं सब इंतजाम करके आया हूँ, हम कुछ ही दिनों में निकल रहे हैं यहाँ से हमेशा के लिए। तुझे जितना धंधा सीखना था सीख लिया, बाकी मैं खुद सिखा दूंगा वहां चलकर, लेकिन तब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा तू। प्लीज कम। कैसा है बे? ठीक हो भाई जी। क्या खाएगा? वही तेरा चाय और गाजर हलवा। अरे भाई सुनो, हाँ तीन चाय, एक गाजर हलवा और एक आलू का पराठा, अच्छे से मक्खन में सेक के लाना है। अच्छा सुन, ये मैडम अपनी अच्छी दोस्त है, इनको बबलू त्यागी के बारे में खबर चाहिए। बबलू त्यागी? वही गाजियाबाद साहिबाबाद वाला। हाँ क्या नाम है उसका? घोड़ा। घोड़ा तो उसको उधर बोलते हैं, साहिबाबाद में तो वकील नाम है उसका। क्यों? वकालत पढ़ी ना उसने। बबलू त्यागी की एक पार्टी बम्बई से यहाँ दिल्ली में आई हुई है, बबलू उस पार्टी के साथ क्या काम कर रहा है इसका पता लगाना है। और सुन, सबके सब स्नैक भी मत लौटा देना, कुछ पैसे कपड़े और खाने के लिए बचा के रखियो, समझा? लाओ भाई। आधा पराठा शेयर करेंगे? बिलीव मानिए बहुत बढ़िया है। थैंक्स। क्या बात है बे, वैसे तो दांत फाड़ता रहता है और अब यहाँ रोने जैसी सूरत बना के बैठा है, क्या हुआ? किसी ठुल्ले या गुंडे ने तुझे डराया धमका है क्या? डरा तो हूँ भाई, लेकिन किसी गुंडे ठुल्ले से नहीं, शरीर को कीड़ा लग गया है भाई जी। हजार बार तुझे समझाया ना, बोला था ना तुझे गंदी सुई का इस्तेमाल मत किया कर, समझ में नहीं आता क्या तुझे? डॉक्टर बोला एड्स है। चले ये रख ले, थोड़े पैसे और हैं। और सुन, अब तू ये काम मत करना, मैडम का काम मैं किसी और से करा लूंगा। काम भी छीन रहे हो भाई। अरे पगले तू कुछ दिन आराम कर। अब एक ही बार लंबा आराम करूंगा, तब तक काम कर लूं। चल ठीक है, जब भी तुझे कोई खबर मिले ना मुझे बता देना। ये ले, खाना अच्छी तरह से खाया कर, ये इसमें की ना छोड़ दे, बुरी आदत है ये, समझा? मैं इसको 4 साल पहले मिला था प्रिंता जी, इसे स्मैक लेने की लत थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये अपनी स्मैक की लत को पालने के लिए मेरा इन्फॉर्मर बन रहा है, लेकिन मैं भी क्या करता, इसे स्मैक चाहिए थी और मुझे खबर,
ये मुझसे 4 साल पैसा लेकर अपनी इसमें किल्लत को पालता रहा। आप खुद को ब्लेम मत कीजिए शर्मा जी, आपने तो उसे समझाया था ना कि गंदी सिरिंज इस्तेमाल करने से HIV इंफेक्शन हो सकता है। आप सच कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये सोचना कि मेरे समझाने से वो समझ जाएगा, खुद को लू बनाने वाली बात है ना प्रिंदा जी। जी शुक्रिया। मुबारक। शुक्रिया। टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा, अब तो बस जाने की तैयारी है। अब तो बता दो। दुबई। रिजवान जुबैदा और वसीम का नया पासपोर्ट बनने को दे दिया है। यहाँ बैंकों में जो पैसे हैं शेयर्स हैं तुम्हारे नाम में तो नहीं है, लेकिन रिजवान, तुम्हारी बीवी और भाई के नाम में तो। फंड ट्रांसफर करना? नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। इतना बड़ा पैसा निकलेगा तो किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को शक होगा, और वैसे भी आजकल बहुत निगरानी हो रही है हमारी। विंस पे उस्मान और उसके छोकरे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, इसलिए वहाँ से धंधा बंद करके नाइट सिटी शिफ्ट कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते जो माल तुम लाए हो उसकी इनकम कौन से बार की बुक्स में दिखानी है, क्वींस या नाइट सिटी? क्वींस। ठीक है, राजा से कहना कि क्वींस की बिल बुक्स मेरे ऑफिस में पहुँचा दे। वो बाहर गया है कुछ दिनों के लिए। कहाँ गया? गाँव गया, अपने कुछ काम है उसका। हाय। हाय। ये यहाँ क्यों सो रहे थे? टीवी देखते देखते सो गया। What is so important here that you can't even look at me while I'm talking? तुम्हें क्या हुआ? Come here. कार्तिक। विद्या, कल एक 19 साल के लड़के को रेड हैंडेड पकड़कर बहुत खुश था मैं। इनोसेंट है? नहीं, पता नहीं यार। यू नो, उसका बाप एक पॉपी का कल्टीवेटर है, लाइसेंस कल्टीवेटर उदयपुर में, और वहाँ लाइसेंसिंग की रोजी रोटी है। मगर कुछ ऑफिसर्स इन लोगों से पैसा खाते हैं और इन्हें मजबूर करते हैं कि ये अपनी अफीम सरकार की बजाय स्मगलर्स को बेचें। जो नहीं मानता उस पर कोई झूठा केस बनाते हैं और लाइसेंस कैंसिल करा देते हैं। वो भूखा मरता विद्या। तो ये लड़का भी ऐसे ही है, एक्सप्लॉइटर? कार्तिक, लुक एट मी। तुम कॉलेज के रॉक बैंड में ही ठीक थे। हाँ, बैंड के आधे से ज्यादा लोग तो चर्चे हो गए थे। मेरा भी शायद ऐसा ही कुछ होता। एक्चुअली तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर इतना कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? बेटा हुआ है, शादी हुई। इसे इसके बिस्तरे पे लिटा दो ना। यार तुम ये सब मेरे आने से पहले नहीं कर सकते थे। भारी हो गया तुम्हारा बेटा, नहीं उठता मुझसे। तो सोया क्यों था यहाँ पर? तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें ये याद दिलाना चाहता था कि कल इसका फुटबॉल मैच है। याद है मुझे। अब तो इसे भी ये पता है कि इसके डैडी को कुछ याद नहीं रहता। बहुत लायक निकला तेरा नावे। ये जो तुम लोगों को लेकर जा रहा है ना, इसके लिए उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ये भी आपको बहुत मानते हैं। अच्छा ये बताओ, इसकी पढ़ाई कैसी चल रही? हिसाब में तो थोड़ा कमजोर है ही, पर बाकी में ठीक ठाक नंबर ले आता है। एक बार ये कार्टून नेटवर्क बंद हो जाए ना तो शायद और ठीक नंबर ले आए। रिजवान साहब, ये मैथ्स में ऐसे कम नंबर लाओगे
तो अपने अब्बू के जैसे बड़े कैसे बनोगे? अब्बू को मैथ्स में बहुत सारे नंबर मिले थे क्या? लो वाह वाह वाह। दहल साहब, वो राजा को आते बोलूंगा आपसे बात कर लेगा वो। ठीक है भाई, दुबई जा रहे हो तो वहाँ जाकर हमें मत भूल जाना। अरे कैसे भूल सकता हूँ आपको, जहाँ भी पहुँचा हूँ आपके दिखाए रास्ते पे चल के। अब्बू, आपको मैथ्स में कितने मार्क्स मिले थे? ये रिजवान, अब आप बात कर रहे हैं ना? चलो चलो, गाड़ी में चलकर बैठो। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जगत त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। त्रिपाठी ने UNODC की पहल पर भारत और पाकिस्तान के बीच नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ हुए समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। आज सुबह उनके अपने भाई नवीन त्रिपाठी ने अपनी लाइसेंस पिस्तौल से उन्हें गोली मार दी। नवीन त्रिपाठी ने कहा कि दोनों भाइयों के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान थे और उन्होंने इसी के चलते ये किया। हेलो शर्मा जी, न्यूज देखी? मुसा भाई, नावेद बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा लोचा हो गया अंसारी। मेरे आदमी से नहीं हुआ मुसा, और भाई भाई के बीच आपस का टेंशन था कुछ। अरे मैं तो समझता हूँ, लेकिन अब्दुल भाई को कैसे समझाऊंगा? मैंने कहा था ना, त्रिपाठी मिनिस्टर है, पावर में है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो मेरा गर्दन अटकेगा। अब्दुल भाई का 300 करोड़ फंसा है, निकाल सकता है तू? मेरा आदमी उधर ही है, पता करके बताता हूँ। पता चला? अंदर बैठिए। मिनिस्टर जगत त्रिपाठी और उसके भाई नवीन त्रिपाठी के बीच कुछ आपसी झगड़ा था, और थोड़ा कुछ घरेलू प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों में आपस में अनबन हो गई। नवीन त्रिपाठी को गुस्सा आ गया और उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर जगत त्रिपाठी को गोली मार दी। गन? हाँ, नवीन त्रिपाठी का खुद का गन, और वो भी लाइसेंस्ड। बकवास है, बयान है बृंदा जी, नवीन त्रिपाठी ने खुद दिया है पुलिस को। 2 दिन पहले मिनिस्टर त्रिपाठी चंबा और केरला में चरस की फसल खत्म करवाता है, पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए अकॉर्ड साइन करवाता है। अगले दिन नवीन त्रिपाठी को मैं बॉम्बे के सबसे बड़े ड्रग ट्रैफिकर के एक आदमी के साथ देखती हूँ, और उसी दिन नवीन त्रिपाठी मिनिस्टर त्रिपाठी को गोली मार देता है। हाँ, लेकिन नवीन त्रिपाठी झूठा बयान क्यों देगा, और वो भी किसी और को बचाने के लिए? खुद को बचाने के लिए तो दे सकता है, झूठ बोला तो जेल गया, सच बोलता तो ऊपर जाता। सच भाई, भाई अपने काम का कुछ लेना देना नहीं है इससे। वो शामू का कुछ खुन्नस था उसके भाई से, बस उड़ा दिया। कौन मानेगा राजा, कोई नहीं। मैं जब भी यहाँ सब कुछ सेट करके निकलने को होता हूँ, ये लोग कोई ना कोई काम दे देते हैं, और इस टाइम तो ये काम मैं लेना ही नहीं चाहता था। तो पैसों का कुछ पता चला? भाई वो रामू के बेटे को सब पता है पैसे का, अपना भी और रामू जिस जिस से खाया उसका भी। निकालना होगा, खर्चा लगेगा भाई थोड़ा। ठीक है, करते हैं। जी भाई। किससे इतनी लंबी बात हो रही थी राजा भाई?
मौसी है बंबई में, उसी से बात कर रहा था, खैर खबर दे रहा था। अंदर जाके सो जा।